दिस इज 26x50 का हाउस प्लान। ओके, 26 फीट और 50 फीट, यही हाउस प्लान का माप। जो प्लॉट का साइज नहीं है, सिर्फ बिल्डिंग का साइज है, प्लॉट इससे भी बड़ा है। ठीक है, तो हम कैसे स्टार्ट करेंगे इस प्लान को? पहले थोड़ा सा कुछ देखिए, डोर और विंडो का पोजीशन यहाँ पर हम पहले सेट कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर कॉलम का पोजीशन भी हम सेट करेंगे। उसके बाद देखिए इधर भी डोर, ओके, इधर भी डोर और इधर भी डोर और इधर भी डोर आएगा। ठीक है, तो उसके बाद डोर कंप्लीट होने के बाद आएगा कॉलम। कॉलम कहाँ पर आएगा? देखिए, बिल्डिंग स्टार्ट करने से पहले कॉलम का पोजीशन हम सेट करेंगे। तो बिल्डिंग का पोजीशन जो है वो सेट करने से बहुत ही इजी होता है। ठीक है, तो पहले जो कॉलम हमें एक्चुअल होना चाहिए वही जगह पर हम पहले कॉलम को प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद एक्स्ट्रा जो हमें कॉलम प्रोवाइड करना है, जहाँ पर हमें लगता है कॉलम प्रोवाइड करना है वहीं पर हमें कॉलम प्रोवाइड करना है, बाकी जगह पे हम कॉलम नहीं प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम कॉलम प्रोवाइड करने से, देखिए यहाँ पर एक कॉलम हम प्रोवाइड करेंगे कि उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। ठीक है, तो इसके बाद ये हो गया, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, इसका वॉल के बारे में भी बात करेंगे। कहाँ पर हमें इसको वॉल प्रोवाइड करना है, कहाँ पर विंडो और कहाँ पर डोर प्रोवाइड करना, वो तो हमने दिखाया है। तो उसके बाद देखिए यही रहा इसका वॉल, और वॉल जो है 5 इंच वाइड का वॉल है यहाँ पर। ठीक है, इधर भी इंटरनल पार्टीशन वॉल है इधर। ठीक है, इधर भी इंटरनल पार्टीशन वॉल, यहाँ पर भी देखिए जो वॉल है इधर है। उसके बाद इधर भी एक वॉल है, इधर भी, ओके। नेक्स्ट हम इधर भी वॉल प्रोवाइड करेंगे और इधर हमें विंडो प्रोवाइड करना है। उसके बाद इधर देखिए कॉलम का पोजीशन कंप्लीट होने के बाद इंटरनल आउटर पार्टीशन वॉल जो 5 इंच का होता है वो हम यहाँ पर हाईलाइट कर दिया है ब्लैक कलर से। तो उसमें क्या होगा, आपको अच्छे से दिखाई देगा कहाँ पर आपका वॉल चाहिए और कहाँ पर आपका पार्टीशन वॉल होना चाहिए। ठीक है, जो पार्टीशन वॉल है सभी का जो यहाँ पर जो वाइड है 5 इंच है। ठीक है, इसमें कोई हमने ऐसा कुछ नहीं रखा है 9 इंच या 10 इंच का। तो आपको अगर लगता है कोई मॉडिफिकेशन करना है, 9 इंच या 10 इंच का वॉल रखना है, तो आप उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। ऐसा कोई बात नहीं है कि आपको ऐसे ही प्लान से 9 इंच से 5 इंच करना है। ठीक है, आप इसको चेंज कर सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। ठीक है, ओके। उसके बाद यहाँ पर जो पोजीशन आएगा, हम यहाँ पर येलो कलर से थोड़ा सा हाईलाइट करेंगे इधर, देखिए, ओके, इधर हाईलाइट कर दिया है और इधर भी जो विंडो का पोजीशन है देखिए यहाँ पर हमने हाईलाइट कर दिया है। बाकी जो है ऊपर में चला जाएगा, विंडो वेंटिलेशन है। तो यहाँ पर ये रहा बिल्डिंग का वॉल। अच्छा, वॉल का भी थिकनेस हमें दिखाना है, तो आउटसाइड में जो वॉल है इसको 5 इंच रखना है, इनसाइड में जो वॉल है इसको भी 5 इंच रखना है। ठीक है, बाकी ये जो वॉल डोर विंडो कंप्लीट करने के बाद यहाँ पर विंडो आउटसाइड में हमारे पास जगह है इसलिए हमने विंडो रखा है। आपके पास जगह नहीं है तो आप विंडो के जगह पर विंडो नहीं रख सकते, तो शेफ्ट या डक्ट का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हम जो करते हैं पहले डोर विंडोज कर दिया है, उसके बाद इधर तो एक डोर होना चाहिए जो हमने मिस कर गए, यहाँ पर डोर। तो यहाँ पर डोर D1, यहाँ पर डोर D1, यहाँ पर डोर, यहाँ पर D2, यहाँ पर D, इधर से आएगा हमारा आप। ओके, तो इसके बाद डिटेल ड्राइंग, डिटेल्स ड्राइंग पर। ठीक है, उससे पहले जो है 26 फीट इंटू 50 फीट इजिक्वल टू 1300 स्क्वायर फीट। ओके, यही है प्लान। चलिए 3 बीस के प्लान स्टार्ट करते हैं। तो पहले स्टार्टिंग से हम क्या करेंगे,
इसका जो मेज़रमेंट है वही हम यहाँ पर आपके साथ शेयर करेंगे। स्टार्टिंग में जो है यहाँ पर एक ड्राइंग प्लस लिविंग रूम का पोजीशन यहाँ पर हमने रखा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर किच क्या रखा है, किचन, ओके। यहाँ पर क्या रखा है, पूजा रूम। सब देखिए धीरे धीरे, यहाँ पर एक बेडरूम, ओके। यहाँ पर एक बेडरूम और यहाँ पर एक डाइनिंग प्लस हॉल रूम। चलिए इसका डिटेलिंग पहले हम ख़त्म करते हैं। तो स्टार्टिंग में जो है 3 फीट 6 इंच वाइड इधर भी है, 3 फीट 6 इंच इधर भी है, ठीक है। यहाँ पर लैंडिंग, तो 3 फीट 6 इंच हर साइड में आ जाएगा, ठीक है। स्टेयर इधर से आएगा तो इधर किचन आने से इसका एक डिस्टेंस आएगा 7 फीट 7 इंच और इधर एक डिस्टेंस आएगा जो है 9 फीट 2 इंच, ओके। इस डिस्टेंस आने के बाद इसके बाद जो यहाँ पर जो जगह है 13 फीट 3 इंच आएगा। यहाँ पर गेट, इधर से एंट्री आएगा घर का फ्रंट साइड, ओके। और एक साइड में 13 फीट 1 इंच आएगा, ठीक है। उसके बाद डाइनिंग ड्राइंग में क्या आएगा, देखिए डाइनिंग ड्राइंग में आएगा 12 फीट 2 इंच और 17 फीट 10 इंच, काफ़ी बड़ा साइड का है, ठीक है। पूजा रूम का साइज़ कितना आएगा, 8 फीट 4 इंच और इधर 6 फीट 5 इंच। सिंपल सा आएगा पूजा रूम, घर के अंदर आने के बाद पूजा रूम मिलेगा, किचन मिलेगा, डाइनिंग ड्राइंग मिलेगा। उसके बाद बेडरूम का साइज़ भी आपको मिलेगा 12 फीट 7 इंच, इधर जो है 11 फीट 0 इंच, ओके। नेक्स्ट यहाँ पर ओपन या डोर जो भी कुछ है आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर एक ओपन एरिया मिलेगा आपको, ओके। ओपन एरिया यहाँ पर मिलेगा, अटैच टॉयलेट इधर मिलेगा, एक बेडरूम इधर भी एक बेडरूम मिलेगा आपको, ओके। इधर एक मिलेगा बाथ प्लस लैट्रिन, तो बाथ लैट्रिन का साइज़ रहेगा इधर 8 फीट एंड 6 फीट। इधर टॉयलेट का साइज़ मिलेगा आपको 6 फीट एंड इधर 6 फीट। जो बेडरूम है इसका साइज़ मिलेगा 12 फीट 2 इंच इधर और एक साइड में 11 फीट, ओके। नेक्स्ट इधर भी 11 फीट, ओके। और इधर 12 फीट 7 इंच, ओके। तो इसका इस बिल्डिंग का टोटल कॉस्ट देखिए, बेडरूम कितना है, एक रूम, दो रूम, तीन और एक चार जो है लिविंग कम डाइनिंग रूम, ठीक है, ड्राइंग रूम। तो इसका टोटल कॉस्ट आएगा, तो बिल्डिंग कॉस्ट आपको कितना आएगा देखिए, कॉलम साइज भी आपको कितना आएगा 10 इंच इंटू 12 इंच का कॉलम आएगा और बिल्डिंग कॉस्ट जो आएगा इधर 1300 स्क्वायर फीट में आपको 25 लाख तक आ सकते इस बिल्डिंग को टोटल कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। तो उसके बाद इसका जो डोर है इसका साइज आपको 3 फीट दे सकते हैं, इधर भी 3 फीट दे सकते हैं, थोड़ा सा बड़ा भी आप कर सकते हैं, 2 फीट 6 इंच इधर रख सकते हैं, इधर भी 3 फीट, इधर भी 3 फीट, ओके। देखिए इधर भी 3 फीट हम इधर ऐसे देंगे, इधर भी 4 फीट 3 फीट वाइड, ओके। इधर जो है 5 फीट वाइड का आप यहाँ पर गेट रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इधर जो है एक लैंडिंग आएगा, ओके। कॉलम का भी साइज़ इधर
10 इंच बाई 12 इंच का कॉलम प्रोवाइड करेंगे क्योंकि डिस्टेंस ज़्यादा है इधर। ओके, तो डिटेल्स ड्राइंग और फुल ड्राइंग आपको अच्छे लगे तो लाइक कर शेयर कर देना, नहीं तो आप कोई भी मॉडिफिकेशन है खुद कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।